मैं बोल रहा हूँ ओवर। शून्य बारह, तुम अब तक खामोश क्यों थे? जहाज के इंजन में आग लग गई है, आग बुझाने का सिस्टम सक्रिय करने की आज्ञा दे। चिंता मत करो, सिस्टम इंजन बंद कर देगा। सुन लिया। 1000 मीटर तक नीचे उतरो और मैदान के ऊपर इजेक्ट कर देना, क्या तुम समझ गए? समझ गया, उतर रहा हूँ। मार्कलफ, क्या तुमने फ्री फ्लाइट चेक किया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने इजेक्शन सेफ्टी पिन को हटा दिया? शनिवार तुम क्या कर रहे हो? अभी इजेक्ट हो जाओ, ये एक आदेश है। आदेश का पालन करो। लानत है, उसने इंजन बंद कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम पट्टी की ओर चलो। यस सर। कॉमरेड कर्नल, जनरल यहाँ आ रहे हैं। कौन से जनरल आ रहे हैं? जनरल कमानिन। वो इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। माय गॉड, कम ऑन बेबी, कम ऑन, आई एम रेडी। चलो चलो बड़ी। चलो भी। अलेक्सी, अलेक्सी, कॉमरेड जनरल, 294 वी रिकॉन एविएशन यूनिट का कमांडर रिपोर्ट करता है। आराम से, यहाँ क्या सर्कस जैसी कलाबाजियां चल रही है, वो भी स्पेशल इफेक्ट के साथ। अलेक्सी, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? तुम इजेक्टर सीट से बाहर क्यों नहीं निकले? हमारी तो सांसें रुक गई थी। ये लो, इसे कहीं छिपा दो। लेकिन भाई, अब तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं ये महंगा सोवियत विमान बचाना चाहता था। बहुत अच्छा। विमान पुराना है, जरूर इंजन फेल हो गया होगा। हम इस घटना की जांच करेंगे, ठीक है ना सर? ये पायलट कौन है? लेफ्टिनेंट लियोनोफ। मैं उसके साथ गंभीरता से बात करने वाला हूँ। यह आदमी पागल है सर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया भाई। उसे मुझ पर छोड़ दो, हमें ऐसे पागलों की जरूरत है।
1965 आप सभी जा सकते हैं, मैंने कहा आप सभी जा सकते हैं। उन्नीस सौ पैंसठ क्यों क्यों? हम तो बात कर रहे थे 1967 की। तब तक फोस्को दो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, अब 1965 क्यों? क्योंकि अमेरिकियों ने उनकी उड़ान का समय बदल दिया है। ये अंतरिक्ष में पहले कदम रखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते। क्या आपका सुझाव है कि हम एक दोषपूर्ण स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करें जिस पर यूएसएसआर लिखा हो, और पूरी दुनिया के सामने हम खुद एक मजाक बनकर रह जाएं, और दो राष्ट्रीय नायकों को पृथ्वी पर वापस लाने के बजाय उन महानायकों की लाशों को अंतरिक्ष में दफना दें? हम अंतरिक्ष यान को तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। दो जहाज, एक प्रोटोटाइप होगा। हम इसके अधिक से अधिक परीक्षण करेंगे जितनी भी तेजी से हम कर सकते हैं, बाकी हमारे लोगों पर निर्भर करेगा। ईश्वर का शुक्र है कि हमारे पास देश के दो सबसे अच्छे पायलट हैं। युद्ध में तुमने कितनी बार लड़ाकू उड़ाने भरी है? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। हम अनलोडिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं। आगे छत बहुत नीची है और हवा तेज हो रही है। छत 400 मीटर, तूफानी हवा की गति 12, तूफानी बल। क्या वापस चले? सिचुएशन कितनी खराब है। चलो आओ, चेहरे पर कुछ हवा महसूस करते हैं। उस तरह की हवा के साथ 10 में से केवल एक छलांग अच्छी तरह सफल होती है, समझे? ये सेब खाओ। क्या हम अंतरिक्ष में भी कुछ ऐसा ही करेंगे? वहां हमारे पास कुछ अलग ही निर्देश होंगे। उन्होंने हम दोनों को ही क्यों चुना? तुम ही और मैं क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? मैंने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है एलेक्सी। क्योंकि असंभव को संभव करने के लिए चुना। अपना सेब खाओ, ये अच्छा है। मैं इसे घर पर खाऊंगा। एलेक्सी, अब हम छलांग नहीं लगा रहे हैं। कौन कहता है? हमारा दिशा निर्देश। हाँ, यहाँ उमड़ जाना, हम फिर मिलेंगे। लामदीर, मैं भी जा रहा हूँ। शांत रहो पावेल, पैराशूट खोलो। क्या? इसे मोड़ो, पैराशूट को मोड़ो। पैर एक साथ, पैर एक साथ। मैं नहीं कर पा रहा हूं। अपने पैरों को एक साथ रखो।
जल्दी करो बेटा, अब चलो। एलेक्सी, घोंसले को मत छूना वरना पक्षी की माँ से छोड़ देगी। क्या ये उसका घर है? हाँ। क्या वो यहाँ सोती है? मुझे क्या पता। नहीं डैडी, सच बताओ, चिड़िया कहाँ सोती है? अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद पता कर लेना, चलो आओ। एलेक्सी, अब चलो भी। ये ठीक से संकलित है लेकिन रंग और ज्यादा ऑफिशियल होना चाहिए। बोलने की अनुमति है जनरल? नहीं। कृपया आदेश दें कि मुझे लेफ्टिनेंट कर्नल को देखने की अनुमति मिल जाए। यह डॉक्टरों पर निर्भर है। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है, वो उदास और हताश है। मैं उसका मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? जब मैं आपका इंतजार कर रहा था तो मेरा पैर सुन हो गया। लियोनोव, क्या तुम जानते हो कि अभी तक मैंने तुम्हें किकआउट क्यों नहीं किया? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड। जैसे ही पावल बाहर आएगा हम दोनों। तुम्हारा नया साथी मेजर खुरुनोव है। खुरुनोव? पावल क्यों नहीं? ये उसकी गलती नहीं थी, पहले मैं कूदा था। सर सर, मैंने उसे उकसाया था, मैंने उकसाया, वो मेरी गलती। जानता हूँ, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है। शांत हो जाओ, बिलायोव को इलाज और आराम की जरूरत है। वो जवान नहीं है, लगभग 40 का है। उसे अपनी ताकत जमा करने दो। इस बीच हम अभियान को रोक नहीं सकते, तो फिलहाल तुम खुरुनोव के साथ परीक्षण लोगे। यस सर। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, ये काफी बुरा नहीं है? स्वेटा, बुरा नहीं है, सबसे खराब कमेंट है जो किसी कलाकार को दिया जाता है। ये तो एक तारीफ थी, पेंट और ब्रश के साथ एक अंतरिक्ष यात्री की, दूसरी सूरत में जो एक बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। प्लीज रोशनी से दूर रहो। अंतरिक्ष के बारे में क्या? एक सच्चे कलाकार को अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट में यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। मैं छत पर बैठकर भी तारे देख सकता हूँ। दरअसल नहीं, मुझे छत दिखाई नहीं देती, मुझे तो केवल आकाश दिखाई देती है। काश कोई ऐसी साइकिल होती। खाना तैयार है, क्या मैं ये सेब खा लूं डैडी? इसे तुम लंच के बाद खा सकती हो। तो चलिए अभी हम लंच कर लेते हैं। शरारती कहीं की। हेलो, मैं देख रहा हूं ये क्या है। ये तो उससे भी बढ़िया है, तुम चुप ही रहना, सारी बातें मैं ही कर लूंगा। मैं तुम्हारी ताकत वापस लाने की प्लान कर रहा हूं। मेरे पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है और केवल एक ही साथी, साथ उड़ान भरने के लिए। मैं किसी और के साथ कभी भी उड़ान नहीं भरूंगा। अभी मैं खुरुनोव के साथ प्रशिक्षण कर रहा हूं जब तक कि तुम यहां हो, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे हम अपने बॉस से मिलेंगे और तुम्हारे लिए एक मेडिकल का अनुरोध करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पैर टूटा नहीं है ना? ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा पुराना फ्रैक्चर फिर से खुल गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। एलेक्सी, मुझे देखो। हाँ, देखो इधर। देख रहा हूँ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी उड़ान नहीं भरने वाला। मुझसे इतनी नफरत क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम निडर हो और ये बात खतरनाक है। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। जाओ यहाँ से, तब तुम मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझोगे। मैंने कहा जाओ। मैं जाने वाला नहीं हूं और नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसे पूरा करके दम लूंगा, फिर जाऊंगा।
रुको 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 रुको, ऐसे ही करो, एक दो, एक दो, ये काम कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दफा हो जाओ कमीने कहीं के। क्या हुआ, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक है। निकल जाओ। सब कुछ बढ़िया है, हमने चीजों को सुलझा लिया है। जाओ यहां से। जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग। खुजली हो रही है क्या? क्या मैं खुजाल दूं? पहले अपना खुजला लो। क्यों, भारहीनता के इतने सत्रों के बाद भी तुम एक बार भी एयरलॉक में प्रवेश नहीं कर सके? तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कॉमरेड मेजर? कई कारण है, उसमें से एक स्पेस सूट है। इसीलिए ये गोल्डन ईगल सूट इतना भारी और कठोर है कि इसे सार्कोफैगस कहा जाना चाहिए था। सर, कुछ सुझाव देने की अनुमति है? कॉमरेड रोशनबैक, यहाँ आइए। ट्रेडर को ऑपरेट करने और शरीर को हरकत देने के लिए कम से कम कुछ लचीलेपन की जरूरत होती है, जैसे कि कंधों, कोहनी और कलाई के जोड़ों को हरकत देना। इससे हिलने डुलने की ज्यादा आजादी मिलेगी। ये तुमने बनाया है? हाँ जी सर, मैंने बनाया है, और इसके संबंध सूट के अंदर दबाव से होगा। दोस्तों, ऐसे स्पेस सूट डिजाइन करने में कम से कम हमें 2 साल लगेंगे। हमारे पास समय नहीं है कॉमरेड लियोनोफ। मैं समझता हूँ, लेकिन टेदर को हेलमेट के साथ जोड़ दिया जाए तो? माफ करना, किस लिए? जिस तरह से ये एक अंतरिक्ष यात्री है, एयरलॉक में पहले पैरों से प्रवेश करता है, ये और ज्यादा बेहतर लगता है अगर वो देख सके कि वो कहां जा रहा है और एयरलॉक में पहले सिर की ओर से प्रवेश करे। साथियों, प्लीज अपना काम बंद कर दे और हमें कुछ मिनटों के लिए यहां छोड़ दे। अंदर जाओ। मैं? हाँ, क्या तुमने पहले सिर कहा? आगे बढ़ो, जाओ जाओ, अंदर जाओ, अंदर। ठीक है, अब पलट जाओ एयरलॉक का सामना करने के लिए। किस लिए? इसे मैनुअल रूप से बंद और लॉक करने के लिए। ये तो अपने आप बंद होता है। 10 में से 9 बार ऐसा होता है, लेकिन मान लो कि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। सोचो कि तुमने स्पेस सूट पहन रखा है, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तुम इस स्थिति की कल्पना कर सकते हो? हाँ, ऐसी स्थिति में तुम स्पेस का सामना नहीं कर सकते हो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया और इसी के साथ तुम्हारा पार्टनर भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, आप सही कह रहे हैं सरगेई पावलोविच। हम वर्तमान में काम का ध्यान देंगे, आपका समय बर्बाद करने के लिए हमें क्षमा करें। जरूरत पड़ने पर हम जंजीरों और बेड़ियों से बंधे कवच पहनकर उड़ेंगे। अपने देश के बच्चे होने के नाते जिस क्षण में हम पैदा हुए हैं, उसी समय से बीड़ियों में बंधे रहते हैं। लेकिन सोचो क्या होता अगर हमने उन्हें भी खो दिया। हम नियंत्रण खो देते, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। हम ऐसे ही लोग हैं, तुम जा सकते हो। यस सर। यस सर। कमांडर, अपना स्केच यहां छोड़ दो। जरूर। सुनिए डॉक्टर, विलवाइफ के साथ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे यार, ये क्या हो रहा है? ओ,
ओह गॉड, कॉमरेड बिलायाएव, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपने पैर की एक्सरसाइज कर रहा हूं जैसा कि आपने कहा था। लेकिन मैंने कहा था कि तुम समय के साथ धीरे धीरे वजन बढ़ाओ। समय वो चीज है जो मेरे पास नहीं है डॉक्टर। ओह, ऐसा लगता है सोवियत एविएशन के ग्रैंडपा वापस आ गए। क्या तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या? तुम्हारी मुस्कान, मुझे इसे देखने दो। ओ, ओ, गगारिन। पावेल, वापसी पर स्वागत है। लाइन में आ जाए, पुशअप्स के लिए तैयार। माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। जल्दी शामिल हो जाए कॉमरेड। यस सर। वापसी पर स्वागत है। शुक्रिया। एक, दो। निकिशन, निकिशन, घर जाओ और कुछ आराम करो। काम कल खत्म कर लेना। सर्गेई पावलोविच, लोगों को आराम करने की जरूरत है। वो पिछले 3 सप्ताह से 18 घंटे की शिफ्ट में काम तो कर रहे हैं। आयोग की कुर्सियां स्पेसशिप के अंदर ही लगा देते हैं 5 मिनट तक। सम्मान के नाटक से वो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर हम उन्हें डिनर खिलाएंगे और फिर बाहर निकाल देंगे उन्हें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या करना है इनका? उन्हें निकाल बाहर करेंगे। ये वाली बात मुझे पसंद आई। मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ? फ्लैशलाइट उसकी छाती और चेहरे पर डाल। मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। जिंदा है? नहीं, मर चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था और क्यों। कॉमरेड चेटोक, 30 मिनट में मुझे एक रिपोर्ट की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक्स के साथ क्या गलती हुई, रिपोर्ट देना। यस सर। क्या हम आयोग का दौरा रद्द कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि वे इसे देखें। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो इसे देखे और रिपोर्ट करे। आप जानते हैं किसको। आपने बहुत बेहतर शुरुआत की लेफ्टिनेंट कर्नल। क्षमा करें, प्लीज ये हेड फिजिशियन को दे दें। ठीक है। मैडम से कहना एक प्यारा दिन है, समझदारी से फैसले करने के लिए। ये किसने दिया? किसने मुझसे आपको देने के लिए कहा? यहाँ रख दो। खैर कॉमरेड लेफ्टिनेंट कर्नल, अब तक तो मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। यहाँ मौजूद महिलाओं के नाम एक जाम। हुर्रे! वैसे अगर कोई महिला अंतरिक्ष में जाती है तो क्या वो अंतरिक्ष यात्री कहलाएगी या श्रीमती अंतरिक्ष यात्री? ये ड्रिंक काफी लाजवाब है, मैंने पहली बार ली है। तुम मेडिकल में पास हो गए। Cheers! उन्होंने क्या कहा? मैं पास नहीं हुआ और यह आखिरी फैसला है। एक सेकंड रुको। फैसला?
फैसला किस आधार पर? क्या उन्होंने खास तौर पर कुछ कहा? मेरी उम्र और मेरे पैर का घाव। उन्होंने कहा कि अब मैं पहले की तरह नहीं दौड़ सकता हूं। समझ गया, तुमने हार मान ली है। तो मैं किसके साथ उड़ान भरूंगा? क्या तुम मुझे अकेले छोड़ रहे हो पार्टनर? बात का पतंगड़ बनाना बंद करो, मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं। तुम्हारा पार्टनर वहां है। हमें यह आदेशों का पालन करना होता है, अपने सपनों का नहीं। डॉक्टर का फैसला सही है। बकवास है, हम अंतरिक्ष में कोई मैराथन दौड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। कतार में लग जाएं। स्क्वाड, अटेंशन। ये दौड़ने की बात नहीं है, तकदीर से दूर नहीं भाग रहे। ये फैसला मेरे पक्ष में नहीं रहा। तकदीर से नहीं भाग सकते। एलेक्सी, एलेक्सी, शर्त लगा लो दोस्त, ये हम होंगे स्पेस वॉकिंग करते हुए। ये किस तरह का व्यवहार है लियोनोफ? यूनिट से बाहर निकाले जाने की कोशिश कर रहे हो? कॉमरेड जनरल, बोलने की अनुमति है? वो क्या था कॉमरेड लियोनोफ? आपने उसे दौड़ते हुए देखा है ना? वो उतना ही फिट है जितना हर कोई है। बस यही बात है? हाँ, मेरा मतलब यही बात है। आप दोनों जा सकते हैं। यस सर। यस सर। यू आर डिसमिस्ड। मैं बेलियाएफ की मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहता हूं। बहुत अच्छे अलमास। तो कॉमरेड अंतरिक्ष यात्री, जबकि परीक्षण चल रहा है, हम एक वीडियो रिपोर्ट बनाएंगे सोवियत नायकों के दैनिक जीवन के बारे में। जोकर की तरह महसूस कर रहा हूँ। एक शो गर्ल से तो बेहतर। सीन नंबर 3, टेक नंबर 1। हम आज यहाँ सफलता का जश्न मनाने नहीं आए हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सफलता संभव हो। क्या आप सब लोग मिलकर सफल करेंगे? पुनर्मिलन दृश्य तैयार। पापा के पास जाओ। पापा, पापा। कट। एक और टेक करेंगे। एग्नेस, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। प्लीज चिंता मत करो। मानव रहित मॉड्यूल का शुभारंभ आज 10:30 पर मास्को समय अनुसार निर्धारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक मानव रहित ऑर्बिट परीक्षण उड़ान होगी। मानव रहित ऑर्बिट परीक्षण उड़ान। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा हो। सेट अप में आपको संभालो, हम यहाँ अकेले नहीं है। विदाई का दृश्य पार्ट 2, फ्रेम 3, टेक 1। हमारा काम उपकरणों की पूरी जाँच और प्रदर्शन करना है। इग्निशन। मौजूद सारे सिस्टम में फोस्को 2 और एयरलॉक सहित इसे सफलतापूर्ण परीक्षण माना जाएगा। मानव रहित मॉड्यूल के सकुशल पृथ्वी पर लौट आने के बाद ही ऐसा हम मान सकते हैं। स्टार्ट। पापा। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे सारे गणित सही है। हमारे कॉस्मोनॉट पावेल बिलियाएव और एलेक्सी लियोनोव के अंतरिक्ष में जाने से पहले। अंतरिक्ष यान ऑर्बिट में पहुंच गया है। एक गंभीर रूप से महत्वपूर्ण मिशन शुरू करने के लिए। एयरलॉक तैयार। उनमें से एक अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति होगा जो कि स्पेस वॉक का संचालन करेगा। सिम्युलेटेड स्पेस वॉक पूरा हुआ। इस मिशन की सफलता हमें करीब ले आएगी और वास्तव में परिचित कराएगी बाहरी अंतरिक्ष से और इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाएगी। जीवन का हिस्सा। चलो जश्न मनाए। ध्यान दे,
परीक्षण मॉड्यूल के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। मैं दोहराता हूँ, हमने संपर्क खो दिया है परीक्षण मॉड्यूल के साथ। मैं पुष्टि करता हूँ, मुझे मलबे का एक बादल दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं सोवियत सरकार को आश्वासन देता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत लोग। हेलो लियोनिड इलिच। हेलो सर्गेई पावलोविच, आइए फिल्म देखने के बाद बात करते हैं। मेरे पास फिल्म देखने का समय नहीं है, हम एक दौड़ में हैं। मेरे पैर जमीन को महसूस नहीं कर सकते, मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ। ये अच्छा है, क्योंकि एक स्थान पर खड़े रहने वालों को ही जमीन दोज कर दिया जाता है। आप कोरोलेव प्रगति का इंजन हो। मैं पूरी रिपोर्ट अपने साथ लेकर आया हूँ, इसमें सभी तकनीकी विवरण है। मैं इसे आपके लिए संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो मुझे रोक दे। मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ, जहाज ऑर्बिट में चला गया, स्पेस वॉक का टेस्ट निर्दोष था, ऑन बोर्ड जवानों के साथ भी ऐसा ही करना और आकर अपना गोल्ड स्टार मेडल हासिल कर लेना। लेकिन मॉड्यूल टूट गया है और हम अभी भी नहीं जानते क्यों, कुछ नहीं पता हमें। क्या स्पेस वॉक हुआ था? विवादास्पद रूप से। अब इसे निर्विवाद रूप से करो। संयुक्त राज्य अमेरिका योजना बना रहा है मई में अपना शिप लॉन्च करने के लिए, इससे पहले हमारा फॉस्को 2 उड़ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि हम नंबर 1 हैं। सोवियत को नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रथम होने के लिए। मुझे परवाह नहीं है कि यूएस क्या कर रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश को अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए। लेकिन जब तक मैं इस प्रोग्राम का इंचार्ज हूं, मैं एक दोषपूर्ण शिप लॉन्च कभी नहीं करूंगा जिस पर मेरे लोग सवार हों, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो ऐसा है? हाँ, मैं गंभीर हूं। देखो, अच्छी तरह सोचो, अच्छी नींद लो और कल काम पर जाओ। तुम्हारा काम कोई और नहीं कर सकता और तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मॉस्को में बर्फबारी हो रही होगी, मैं लड़कियों के साथ स्कीइंग करना चाहता हूँ। महान विचार, एक बर्फ का आदमी बनाओ, कुछ घर की बनी चीजें खाओ, एक साल के प्रशिक्षण के लिए खुद को पुरस्कार दो। गिलास में शराब डाली है तो उसे पी भी लो। तुम्हें लगता है कि मिशन रद्द कर दिया है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, हमें नियमों का पालन करना है। हमने इसमें से जो समय दिए, जो प्रयास किए हैं, सब कुछ बेकार हो गए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कोरेलेफ को उम्मीद है कि हम भाग्यशाली होंगे? तुम किस बारे में बोल रहे हो? मैं और तुम उस जहाज के हर एक केबल को जानते हैं। मुझे इस पर ऐसे ही भरोसा है जैसे अपनी माँ पर होती है। तुम अपना सामान पैक करने में व्यस्त हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस मिशन पर नहीं जाना चाहता? वैसे भी हमें हमारी मातृभूमि के आदेश के हिसाब से काम करना। तुम और तुम्हारे आदेश, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, गुड मॉर्निंग सर्गेई पावलोविच। गुड मॉर्निंग सर्गेई पावलोविच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग कब से उठे हो? ज्यादा देर नहीं हुई, अब चाय पी रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो, परीक्षण उड़ान कांत विफलता पर हुआ। बोर्ड पर तुम दोनों के साथ फॉस्को 2 को लॉन्च करने का जोखिम बहुत बड़ा है। अब हम तुम्हारे शिप को लॉन्च करेंगे बोट पर डमी के साथ, एक और टेस्ट होगा। एक साल के समय में हम तुम्हारे लिए
एक नई शिप का निर्माण करेंगे। यस सर। तुम्हें अमेरिकियों का वहां पहले पहुंचने का विचार पसंद नहीं आया? हम टॉप पोजीशन में हैं। हम 3000 आकस्मिक स्थितियों से गुजर चुके हैं। अंतरिक्ष में होगी 3001, 2 और 3 आकस्मिक स्थितियां। मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता। मेरे जाबाज परिंदो, वो मृत्यु लेख के बिना मृत्यु होगी। क्या आप यहां इसीलिए आए? तुम हर तुम्हारा गांव वाला शिष्टाचार। मैं लिस्ट बियंका के एक साइबेरियन गांव से आया हूं। जब मैं 3 साल का था, मेरे पिताजी को जनता के दुश्मन के रूप में गिरफ्तार किया गया। हमारे परिवार पर विध्वंसकारी का आरोप लग गया और हम पड़ोसी के घर में छुप गए और हमारा खाना पीना सब छीन लिया। फिर हमारा फर्नीचर, फिर हमारा घर। उन्होंने हमें सर्दियों के मौसम में बाहर निकाल दिया। मेरी माँ गर्भवती थी और खिलाने के लिए उसके पास पहले से ही 8 लोग थे। पड़ोसियों में से एक फिर लौट आया और मेरी पैंट छीन ली और अंडरवियर में खड़ा छोड़ दिया। भगवान का शुक्र है, मेरी सबसे बड़ी बहन और उसके पति ने हम लोगों को आश्रय दिया। वो एक शर्मिक छात्रावास में रहते थे, 16 मीटर के एक छोटे से कमरे में। मेरा ठिकाना एक पलंग के नीचे था। हम सब किसी तरह बच गए। फिर युद्ध शुरू हुआ और वहां के सभी पुरुष लड़ने चले गए और फिर मेरी माँ ने मुझे स्कूल में दाखिला करवाया। स्कूल में पहले दिन मैं गर्व से पिघलती हुई बर्फ के पोखर में खड़ा था। क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। विजेता भारी कीमत पर मिली। मेरे चाचा और भाई युद्ध में मारे गए। देश के हर परिवार ने किसी न किसी को खो दिया, क्योंकि हम जोखिम लेने से नहीं डरते। हम तैयार हैं जोखिम उठाने के लिए। तुम्हारी चाय बहुत स्ट्रांग है। All the best. मिलेंगे। अटेंशन,
कॉमरेड जनरल, हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। कॉमरेड ब्रेजनेव और कॉमरेड कोशियान को रिपोर्ट करो, हमारा फॉस्को 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च के लिए तैयार है। यस सर। मिशन कंट्रोल, हम तैयार हैं। टी माइनस एक मिनट, इग्निशन में चाबी लगाएं। कॉपी, इग्निशन में चाबी। कंफर्म करें। कॉपी कंफर्म। वायु प्रवेश द्वार खोले। कॉपी, वायु प्रवेश द्वार। मुख्य इंजन शुरू। कॉपी, मुख्य इंजन शुरू। इग्निशन, कॉपी, इग्निशन शुरुआत। कॉपी, शुरुआत। मुख्य इंजन शुरू। कॉपी, मुख्य इंजन शुरू। लॉन्च। कॉपी, लॉन्च। मेरी शुभकामनाएं जाबाज परिंदो। लॉन्च संपर्क, लॉन्च संपर्क की पुष्टि। पहले और दूसरे चरण की इंजन ठीक से काम कर रहे हैं। लॉन्च वाहन निर्माण प्रणाली मानदंड के समान है। 25, 30 अंतरिक्ष यान का समय स्थिर है। 50 दहन कक्षों के दबाव मानदंड के समान है। 60 स्तर दिशा और रोल समान है। 70 उड़ान सामान्य है। ध्यान दे, ये मॉस्को है। 80 सोवियत संघ के सभी रेडियो और टेलीविजन स्टेशन काम कर रहे हैं। लॉन्च वाहन निर्माण प्रणाली मानदंड सामान्य। आज 18 मार्च 1965 को सुबह 10 बजे मानव सहित अंतरिक्ष यान फोस्को 2 पृथ्वी से ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान के साथ रेडियो संचार लगातार बनाए रखा गया है। कॉमरेड बलियालेव और लियोनोव उड़ान कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान अभी तक सुरक्षित है और साथ ही उम्मीद है कि हमारा ये मिशन कामयाब रहेगा। मिशन कंट्रोल, मैं हूँ अलमाज। यहाँ थोड़ा कंपन है लेकिन सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अलमाज, मिशन के साथ आगे बढ़ें। कॉपी, मिशन कंट्रोल, अब हम एयरलॉक तैनात कर रहे हैं। मिशन कंट्रोल, एयरलॉक तैनात, अब दबाव बनने लगा है। मिशन कंट्रोल, अब एयरलॉक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। मिशन कंट्रोल, एयरलॉक पर दबाव डाला जाता है। आप स्विच कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए ईवा बैकपैक सिस्टम पर। मिशन कंट्रोल, स्पेस सूट पर दबाव डाला गया, अब एयरलॉक का भीतरी हैच खोल रहे हैं। बोर मत होना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जरा मुझे धक्का दो दोस्त, हल्का सा। हाँ, मैं हूं अलमाज 2, मैं एयरलॉक के अंदर हूं। अलमाज 2, कॉपी, समझ गया। मिशन कंट्रोल, मैं अलमाज अब एयरलॉक का भीतरी हैच बंद कर रहा हूं।
मिशन कंट्रोल, मैं अलमाज अब एयरलॉक को डिप्रेस करने की शुरुआत कर रहा हूँ। अलमाज टू, डिप्रेस प्रक्रिया 5 मिनट में शुरू होगी। अलमास टू, तुम्हारी ऑक्सीजन की खपत सामान्य से ऊपर है, अपनी सांसें धीमी करो दोस्त। मैं सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा हूं। ध्यान दो और तैयार हो जाओ। मिशन कंट्रोल, एयरलॉक डीप्रेशराइज्ड हो गया, अब भारी हैच खोल रहे हैं अलमास। अलमास टू, स्थिति पर रिपोर्ट करें। यह है अलमास टू, रिपोर्टिंग, सब कुछ ठीक है, मैं अंतरिक्ष में कदम रखने के लिए तैयार हूं। अंतरिक्ष में कदम रखने के लिए आगे बढ़ो, रुकना नहीं। कॉपी दैट। अलमास टू, तुम जा रहे हो अंतरिक्ष में कदम रखने। एरेक्सी, तुम्हें 2 किक ऑफ करने हैं, एक स्थिति का परीक्षण करने के लिए और दूसरा फोटो लेने के लिए। कॉपी, सुन लिया अलमाजमन। कैमरा लेंस से कैप निकालो। कॉपी, कैप हटा दे। मगर मैं इसे कहां रखूं? उसे फेंक दो वहां से। सुन लिया कॉपी, मैं इसे फेंक रहा हूं। मिशन कंट्रोल, अलमास टू, मैं तार खींच रहा हूं। सोवियत कॉस्मोविजन लाइव प्रसारण कर रहा है फोस्को 2 अंतरिक्ष यान से। हम एक ऐसी घटना के गवाह बनने जा रहे हैं जो कल तक सपना कल्पना लग रहा था। अलमास टू, एयरलॉक से आगे बढ़ो।
अलमास टू, अब तुम बाहर निकल सकते हो। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है, मैं निकल गया हूं। मिशन कंट्रोल, मैं अलमास। मनुष्य अंतरिक्ष में चला गया है। आई रिपीट, मनुष्य अंतरिक्ष में चला गया है। मनुष्य अंतरिक्ष में जाने के लिए कामयाब रहा। स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रहा है। आज 18 मार्च 1965 को 11:30 पर मॉस्को समय पर फोस्को 2 अंतरिक्ष यान की उड़ान के दौरान एक आदमी ने यान से बाहर अंतरिक्ष में मानव जाति ने पहला कदम रखा। अंतरिक्ष यान के दूसरे ऑर्बिट के दौरान पायलट कॉस्मोनॉट एलेक्सी ऑर्किपोविच लियोनोफ ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एक विशेष स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में कदम रखा। ये कामयाबी है पूरी दुनिया के लिए और हम सब के लिए। हमें इस कामयाबी पे गर्व है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा एक असली अंतरिक्ष यात्री है, वो सबसे पहले है। ठीक, डॉकिंग अगला कदम है और फिर एक सैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम। बैठिए 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 आप लोग, अब दोबारा काम पे लगते हैं। कॉमरेड जनरल, क्रेमलिन लाइन पर हैं। सीधे अंतरिक्ष यात्री से बात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, उन्हें कनेक्ट करो। कनेक्ट करो। कनेक्ट करो। यस सर। आदेश है, समझ गए? मुझे गर्व है, मैं सोवियत संघ की सेवा में हूँ। उसका स्वास्थ्य कैसा है? उसका रक्तचाप और तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन सामान्य सीमा में है। और हवा? वो 27 मिनट के लिए काफी है। चलो अगले चरण पर आगे बढ़ें। अपने शारीरिक संतुलन और वायु गति का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार रहो। तो चलो आ जाओ। अलमास टू, तुमको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तस्वीरें लेने के लिए अंतिम किक ऑफ को तैयार किया जाए। उसका रक्तचाप 90 से 140 तक बढ़ गया है। उसकी नब्ज 125 और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। वो घबराया हुआ है, कौन नहीं होगा। अलमास टू, कुछ शॉट्स लो और शिप पर वापस आ जाओ। कोई तेज हरकत नहीं, बस आराम से। कॉपी सुन लिया, आराम से जा रहा हूँ।
कहां मुस्कुरा रहे हो? हाँ, मुस्कुरा रहा हूँ। मैं तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूँ। जल्दी करो और वापस अंदर आओ। ये क्या है? क्या सूट के अंदर दबाव बढ़ रहा है? सूट के साथ गड़बड़ है। अलमाज टू, क्या तुम ठीक हो? अलमाज, वहां क्या हो रहा है? अलमाज दो जवाब नहीं दे रहा है। शिप से कुछ टकरा गया है। मेरे पास अलमाज टू का कोई दृश्य नहीं है। क्या हम संपर्क में हैं? हाँ, तकनीकी रूप से हम अलमाज टू के साथ रेडियो संपर्क में हैं। उसका स्वास्थ्य, रक्तचाप, नब्ज की दर, तापमान सभी बढ़ रहा है। अलमाज, अलमाज टू को कॉल करते रहो। मैं दोहराता हूँ, अलमाज टू को कॉल करते रहो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लाइव प्रसारण तुरंत बंद करो। यस सर। अब हम अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते हैं सरगई प्रकोफीव का बेले, द टेल ऑफ द स्टोन फ्लावर, जिसका मंचन राज्य एकेडमी USSR के बोल्शोई थिएटर में हुआ था। बस इंतजार करना होगा। अलमाज टू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मिशन कंट्रोल, मैं अलमाज टू के साथ रेडियो संपर्क की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं कॉल करता रहूंगा। सरगेई पावलोविच, इस स्थिति के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। अगर अलमाज टू शिप पर वापस नहीं लौटता है तो हमें एयरलॉक को बंद करना होगा। रक्तचाप 155 से अधिक, 100 पर, नब्ज 150, तापमान 38.5 सेल्सियस। कंट्रोल, मैं हूं अलमाज। एयरलॉक में प्रवेश करने की अनुमति का अनुरोध। वी डेड जोन में कब प्रवेश करेंगे? सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सर। सरगेई पावलोविच, शिप छोड़ने के लिए अलमाज वन को इसे डिप्रेस करना होगा। और क्योंकि हम सिग्नल खो देंगे, वो अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। भगवान ही जानता है कि डिप्रेस होने पर शिप का व्यवहार कैसा होगा। आप लोग प्रार्थना करना शुरू करें। सरगेई पावलोविच, अगर हम एयरलॉक को बंद कर देंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों में से एक मर जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन दोनों को गंवा सकते हैं। अलमास, शिप को डिप्रेशराइज करने की तैयारी करो। कॉपी, मिशन कंट्रोल। 2 मिनट में शुरू करो। अगर बेलिया ये विफल होता है तो हम शिप खो देंगे। हजारों लोगों ने मेहनत की है इसे ऑर्बिट में भेजने के लिए, इसे वहाँ छोड़ने के लिए। दो लोगों की जिंदगी का सवाल है, हजारों की नहीं। मिशन कंट्रोल, मैं हूँ अलमाज। मैं एयरलॉक में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ।
आगे बढ़ने की अनुमति दें। हम पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम को विफल नहीं कर सकते एक आदमी की वजह से। एक मिनट में डेड जोन में। अपने आदेश को रद्द करें सर्गेई पावलोविच। अल्माज 2 की स्वास्थ्य स्थिति क्या है? रक्तचाप 170 से अधिक 110, पल्स 165, तापमान 39 सेल्सियस। जिंदा है? जीवित है? क्या हम स्पष्ट हैं? मिशन कंट्रोल, मैं हूं अल्माज। मैं दोहराता हूं, मैं एयरलॉक में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। आगे बढ़ने के लिए अनुमति दें। मुझे यकीन है आप जानते हैं कि आगे क्या करना है। 30 सेकंड में डेड जोन में। मिशन कंट्रोल, मैं अनुमति की प्रतीक्षा में हूं। शिप को डिप्रेशराइज करने के लिए आगे बढ़ो। 15 सेकंड। रुको, अल्माज 2 एयरलॉक के पास है। मिशन कंट्रोल, मैं कंफर्म करता हूं, वो एयरलॉक के पास है। अल्माज 2, भगवान के लिए जल्दी वापस आओ। वो डेड जोन में है। क्या हुआ? मेरा सूट गुब्बारा हो गया है। मैं इसमें किसी भी जोड़ को मोड़ नहीं सकता। तुम चुप क्यों थे? मैं किसी को डराना नहीं चाहता। अच्छा, समझ गया। सुनो, मेरे पास कितनी ऑक्सीजन बची है? बहुत कम। वापस जल्दी आओ एलेक्सी, कैमरा उठाओ और वापस अंदर आओ। मुझे पहले इसे निकालना होगा। चलो चलो आओ। बहुत बढ़िया। अंदर आने की कोशिश करो। एक बार और कोशिश करो। लानत, कोई और रास्ता नहीं है। घटिया सूट, लानत है, घटिया सूट। कोशिश करते रहो, फोकस करो, ऐसा मत करो। पहले सिर्फ पैर। बंद करो, बंद करो, गॉडडैम हेड, बंद करो, ये नहीं हुआ। ये बंद हुआ या नहीं? नहीं। सही, मुझे मुड़ना होगा इसे मैनुअल रूप से लॉक करने के लिए। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। क्या हमारे पास और ऑप्शन है? मैं हैच खोलूंगा और तुम्हें अंदर खींचूंगा। और शिप को डिप्लाइज करोगे? हमें जोखिम तो उठाना होगा। हम मिशन को विफल करने की जोखिम नहीं उठा सकते। नहीं दोस्त, मुझे कोशिश करनी है। एलेक्सी, नहीं। एलेक्सी रुको, तुम्हारे पास रिकम्प्रेशन के लिए कोई हवा नहीं बचेगी। फिर इसमें मेरे साथ ही एयरलॉक को बंद कर देना। तुम जंगली बैल हो। मैं फंस गया हूं, आगे नहीं बढ़ सकता। चुप रहो, हवा बचाओ। सुन लिया? क्या ख्याल है अगर मैं अपना पैर पकड़कर इसे मोड़ दूं? चलो यार, चलो एलेक्सी, चलो 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 एलेक्सी, चलो चलो चलो। तुमने ये कर दिया, बहुत बढ़िया। अब 2 मिनट वेट करो, मैं एयरलॉक को रीप्रेशराइज कर रहा हूं। एलेक्सी, एलेक्सी,
एलेक्सी, एलेक्सी। क्या तुम कम से कम हमें सच नहीं बता सकती? हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? समझ गई, धन्यवाद। खैर, उन्होंने बस इतना कहा कि उड़ान सामान्य रूप से जारी है, जिसका अर्थ है कि या तो वो लोग व्यस्त हैं या बात करने का समय नहीं है। हाँ, चीजें बिगड़ गई है। मॉस्को और लेनिनग्रेड में वो पहले से उड़ान के सम्मान में रैली कर रहे हैं। श्वेतलाना लियोनोवा ने फोन किया था। चाय? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स। ये स्पष्ट रूप से चिंतित है। क्यों? कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। हमारे पास एक मिनट में सिग्नल होना चाहिए सर। उन्हें कॉल करना शुरू करो। एलेक्सी, दोस्त, जमीन पर वापस आ जाओ। अलमास टू, हम डेड जोन से निकल रहे हैं। मैं बस सोच रहा था दोस्त, जब हम चांद पर जाएंगे। अब हमारे पास सिग्नल है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। अलमास, ये मिशन कंट्रोल, क्या तुम हमें सुन सकते हो? मैं हूँ अलमास, मैं आपको अच्छी तरह से सुन सकता हूँ। अलमाज, आपके पास अलमाज टू का क्या स्टेटस है? मिशन कंट्रोल, अलमाज टू भी आपको अच्छी तरह कमाल का जाबाज है। अलमाज टू, वेलकम बैक। और आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मैं सोवियत की सेवा में हूँ। तुम चुप क्यों हो गए थे? मिशन कंट्रोल, हमें सिग्नल की समस्या थी, कारण स्पष्ट नहीं है। अलमाज टू, क्या तुम खुद बात नहीं कर सकते? मैं पुष्टि करता हूँ। मिशन कंट्रोल, हम ठीक हैं, हम एयरलॉक को बंद करने के लिए तैयार हैं। एयरलॉक को बंद करने की तैयारी करो। कॉपी दैट, बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। अलमाज, ध्यान रहे कि परीक्षण क्रम इस पॉइंट तक ही किया गया था। हम नहीं जानते एयरलॉक के बंद होने के बाद क्या होगा। किसी भी चीज के लिए पूरी तरह तैयार रहो। ये शायद और भी खराब नहीं हो सकता। अलमास, केबिन के दबाव की पुष्टि करें। केबिन का दबाव सामान्य है। विस्फोटक बोल्ट सर्किट की जांच करें। सर्किट चेक किए गए, जेटिसन के लिए तैयार। जेटिसन। मिशन कंट्रोल, एयरलॉक को बंद कर दिया गया है। कोई दबाव नहीं घटा, शिप को कोई नुकसान नहीं, लेकिन अब हम स्पिन कर रहे हैं। स्पिन की दर क्या है अलमास? लगभग 20 डिग्री प्रति सेकंड। स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली स्पिन को स्थिर करेगी। सभी धन का उपयोग करें, मैनुअल री एंट्री के लिए आरक्षित किए गए धन समेत। सगई पावलिच, मैं गारंटी देता हूँ सभी स्वचालित नियंत्रणों की मैनुअल री एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलमाज, तुम दोनों को कैसा लग रहा है?
हम ठीक महसूस कर रहे हैं मिशन कंट्रोल। आप मेरी गो राउंड जैसी एक सवारी के लिए क्या कहोगे? वो 15 ऑर्बिट है, लगभग 22 घंटे की यात्रा, क्या आप उसे सहन कर सकते हैं? हम इसे सहन कर लेंगे मिशन कंट्रोल। तो ये कर लो मेरे जाबाज परिंदो। 22 घंटे, ये एक रेल यात्रा की तरह है, मास्को से टॉप्सी तक, एक अपर बर्थ पर। थोड़ी नींद ले लो, हमें अभी 10 और ऑर्बिट से गुजरना है। मुझे अपना स्केच पूरा करना है, ये ट्रेटियाकोव गैलरी के लिए है। हाँ ठीक है। मैं गंभीर हूँ, अंतरिक्ष में बनाए गए स्केच का ये पहला नमूना होगा, कोई बहन गौन के सूरजमुखी इसे हरा नहीं सकते। ये सिस्कीन के ठीक बगल में लटका रहेगा, सुबह एक देवदार के जंगल में। मेरी इच्छा थी कि मैं आर्ट स्कूल जाऊँ। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं किया? मैं एक कला के शौक वाला एक पायलट बन सकता हूँ, लेकिन उड़ने का शौक रखने वाला चित्रकार नहीं। यहाँ तुम गलत नहीं हो। खैर, मेरा इरादा क्यूबा जाने का था। अच्छा, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, एम्बेसडर ने शिप में कॉल किया, मुझे बधाई दी और मुझे वहाँ छुट्टी पर आमंत्रित किया। जब उसने फोन किया तो मैं कहाँ था? स्पेस वॉक पर, बाहर अंतरिक्ष में। सही बात है, जब ब्रेजनेव ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया, उन्होंने कहा वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर मिलेंगे। एलेक्स, मैं तुम्हारी बाई ओर खड़ा रहूंगा, भेड़ की खाल वाली अपनी करकुल टोपी पहने। नहीं, पहले क्रेमलिन, फिर उनके कंट्री हाउस। तुम्हें आर्ट स्कूल जाना चाहिए था। एलेक्सी। हाँ, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, थोड़ी उल्टी सी आ रही है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। ऑक्सीजन चेक करो। हाँ आओ देखते हैं। लगभग 300 तक, उन्हें कॉल करो। मिशन कंट्रोल, मैं हूं अलमाज। हमारा आंशिक ऑक्सीजन का दबाव सामान्य से 2 गुना है। रीडिंग क्या बता रही है? 296 और बढ़ रहा है। अलमाज, कोई तेज हरकत ना करें। आप वहां शुद्ध ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, एक छोटी सी चिंगारी और तुम जिंदा जल जाओगे। समझ गए, हम क्या करें? मुख्य केबिन लाइट बंद कर दो और निर्देशों के लिए प्रतीक्षा करो। कॉपी दैट। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? क्या इसका पता लगा लेंगे? वहां एक रिसाव है ईवीए बैकपैक से। लियोनोव ने अपनी ईवीए एयरलॉक में छोड़ दिया है, तो ये बेलवाइफ का है। क्या एक बैग से 296? क्या बकवास है। तब शायद ऑक्सीजन कंपनसेटर से, लेकिन सिस्टम काम कर रहे हैं और केबिन को सील कर दिया गया है। शायद हैच टूट गया है जब उन्होंने एयरलॉक को बंद किया है। तापमान लगभग तुरंत गिर गया होगा,
दोनों अल्माज का रक्तचाप और पल्स रेट गिर रहा है। जल्द ही उन्हें ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाएगा। मुझे केबिन के मध्य भाग की विस्तृत डायग्राम की जरूरत है। अल्माज, सबसे अधिक संभावना है कि शिप में कहीं छोटी सी दरार पड़ गई है। ये अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन सिस्टम लीक पर प्रतिक्रिया दे रहा है और अब ऑक्सीजन पंप कर रहा है। तुम कंपनसेशन सेंसर को केवल मैनुअल रूप से निष्क्रिय कर सकते हो। तुम्हें कुछ चीज अलग करनी होगी। यस सर, हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। वहाँ हर जगह हाई वोल्टेज है। क्या आपके पास बेहतर विकल्प है? अल्माज, कंपनसेशन सेंसर तुम्हारे ठीक ऊपर है, छत के मध्य क्षेत्र में दबाव रहित वाल्व के बगल में। इसे खोलने के लिए तुम्हें इसे काटने की जरूरत है। आप उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। निर्माण के दौरान एक टेक्नीशियन की मौत हो गई थी, याद है ना? उनके विपरीत वो एक शीर्ष विशेषक था। क्या ये भी भूल चुके हैं आप? देखिए, सब कुछ कितनी मजबूती से कैप्सूल में पैक किया गया था। उनके पास कोई उपकरण नहीं है और ना ही कोई रोशनी। ईश्वर रहम करे। मिशन कंट्रोल, हमने लाइनिंग खोल दी। सेंसर सिस्टम केबल के पीछे है। इसे पाने के लिए आपको पट्टा काटना होगा जो केबल को एक साथ जकड़े हुए है। कॉपी दैट एलेक्सी। उनके साथ क्या होगा? यहाँ रोशनी डालो। सबसे पहले उनके अंग सुन हो जाएंगे, फिर उन्हें दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐठन होगी, साथ ही सुनने में आंशिक हानि और दृश्य भ्रम। रुको, हिलो मत, शांत रहो, हिलो मत, शांत रहो। बेहतर है कि मैं करूं। शांत रहो, टॉर्च पकड़ो। ठीक है, हम इसे कर सकते हैं। आखिर में वो सो जाएंगे। सो जाएंगे और बस। हाँ, ऐसा ही होगा। अल्माज, मैं इसे करूंगा। अल्माज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बस एक मिनट दोस्त। अल्माज, बस आराम से। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अल्माज, मुझे सुन सकते हो? अल्माज, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लाइट इतनी हल्की और इतनी उजली है। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ मिशन कंट्रोल, मैं सेंसर को देख सकता हूँ। मैं सेंसर देख रहा हूँ। बहुत खूब। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या तुम्हें एक पीली केबल दिखाई देती है? तुमको पीली केबल खींच निकालने की जरूरत है। इसे डिस्कनेक्ट करो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? खींच लो। मिशन कंट्रोल फिर से दोहराए। मिशन कंट्रोल फिर से दोहराए। पीली केबल खींचो, डिस्कनेक्ट। क्या तुमने सुना? मैंने नहीं सुना। तो वो यहाँ रहती है। तो वो यहाँ सोती है। तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं सका। उसका घर है, मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। उसका घर कहाँ है? अल्माज, यहाँ मैंने इसे खोल। अल्माज, क्या तुम उन्हें सुन सकते हो? क्या तुमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया? उससे बात करो। बस एक सेकंड। बस हो गया। पावेल, अल्माज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया? उससे बात करो। अल्माज, अल्माज, हमने सिग्नल खो दिया। अब वो डेड जोन में है।
स्वचालित मार्गदर्शन प्रणाली शुरू हो जाएगी उनके बाहर आने से पहले। साइकिल 4 उन्हें उतारेगी। क्या उनके पास बचने का मौका है? मम्मा। हाँ। क्या अंतरिक्ष में भी रात होती है? हाँ स्वीटी, तुम अब सो जाओ। पापा क्या अभी सो रहे होंगे? बेशक सो रहे होंगे, सभी को सोने की जरूरत होती है ना। क्या मेरे जागने से पहले पापा वापस आ जाएंगे? वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, वो काफी कमाल के परफॉर्मर हैं। सर, हम लगातार जांच कर रहे हैं लेकिन उनसे अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो भयानक है। स्वस्थ मजबूत पुरुषों की भीड़, हम यहाँ बैठे हैं और कुछ नहीं कर सकते। शोक से आहे भरते हुए मानो जाग रहे हो। अगर हम अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते तो चलो कम से कम समय से पहले उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था ना करें। मिस, सभी के लिए कॉफी, मेरे लिए भी, और इसे स्ट्रांग बना। आइए तार्किक रूप से सोचें। शिप को 23 मिनट पहले लैंड करना था। शायद फिर से प्रवेश करने पर यह बिल्कुल बंद हो जाए, या फिर शायद दूसरी जगह उतरे। मैं आपसे केवल शायद, संभव, और मुझे लगता है कि जैसे शब्द ही सुन रहा हूं। मुझे हर दिशा में संभव प्रवेश की गणना चाहिए। यस सर, कैलकुलेशन तैयार करो। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें हवाई मार्ग से उनकी तलाश शुरू करनी चाहिए। सर्गी पावलिच, क्रेमलिन आपको बधाई देना चाहते हैं। कनेक्ट करूं क्या? उन्हें बाद में कॉल करने के लिए कहो। यस सर। मेरे पास उनके सिग्नल है। अलमास जीवित है, वे जीवित है, हमारा शिप से संपर्क है, हमारे पास संकेत है। उन्हें बताओ कोरोलेव कॉस्मोनॉट्स से मीटिंग में व्यस्त है। अलमास, शरारती बच्चों, हम तुम्हें स्पष्ट रूप से देख और सुन रहे हैं। तुम कहां उतरे हो मेरे जावास परिंदो? कंट्रोल रूम, हम अपनी सीटों पर उतर चुके हैं। मिशन कंट्रोल, मैं हूं अलमाज। हम ठीक महसूस कर रहे हैं। साइकिल 4 स्टार्ट नहीं हुई। मैं दोहराता हूं, साइकिल 4 स्टार्ट नहीं हुई। हम अभी भी ऑर्बिट में हैं। हम अभी डेड जोन से बाहर आए हैं। ओवर। सर्गी पावलिच, इस समय मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। शायद ये स्पिन के कारण हुआ है। हम खराब स्थिति में हैं। क्या हम वाकई हैं? और क्या क्या हो सकता है? क्या कोई हिसाब रख रहा है?
यस सर। हम सिस्टम को रीस्टार्ट करने का प्रयास करेंगे और उन्हें अगले ऑर्बिट में उतारेंगे। हम उन्हें अगले ऑर्बिट में नहीं उतार सकते, ऐसे में शिप दुश्मन की सीमा के ऊपर होगी। हम अपने लड़कों को पहले पृथ्वी पर वापस लाएंगे और बाद में सीमा की चिंता करेंगे। मिशन कंट्रोल में अल्माज। आप लोग हमें मैनुअल कंट्रोल पर स्विच करने की अनुमति दीजिए और फिर से प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ें। ओवर। अल्माज, हमें लैंडिंग लोकेशन की गणना करनी है, इसमें समय लगता है। सर्गेय पावलिच, हमारे पास आवश्यक की सभी गणनाएं हैं। मिशन कंट्रोल, मेरा ख्याल है कि हम उरल्स में लैंड करेंगे जो पंप से ज्यादा दूर नहीं है। अलेक्सी, उनसे कहो जरा ज्यादा ध्यान दे, उसका ख्याल है पंप उससे ज्यादा दूर नहीं। बकवास, लेकिन वो दोनों अनुभवी पायलट हैं, कोई भी अंतरिक्ष यान से मैनुअल रूप से कभी नहीं उतरा है। मैनुअल कंट्रोल सिस्टम एक अवशेष है, अंतिम उपाय, केवल हताश और खराब स्थिति में उपयोग करने के लिए है बस। जैसे कि हमारी। सर्गेय पावलोविच, क्या हम एक मिनट बात कर सकते हैं? और अब शुरू होती है चर्चा। वो एक आयोग बनाएंगे, अध्ययन का चयन करेंगे, वक्ताओं को सुनेंगे, फिर वो असहमत होने लगेंगे। अब तुम समझ गए होगे कि मैं चुप क्यों रहा, मैं अब तक मर चुका होता। हम इस चीज को लैंड कर सकते हैं दोस्त, हमने इससे बदतर लैंडिंग की है। तुम इसे लैंड कर सकते हो, है ना? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, करना ही होगा। क्या कहते हो दोस्त, तुम बताओ। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हम या तो इसे मैनुअल लूप से अभी लैंड करेंगे। या वो हमें ऑर्बिट में छोड़ने का निर्णय लेंगे। हम अपनी मातृभूमि के आदेश के अनुसार करेंगे। वो आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। सर्गेय पावलोविच, हम और आप दया के पात्र नहीं हैं। हम राज्य के रहस्यों का जुआ नहीं खेल सकते। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, या यूं कहूं कि मैं समझ गया, लेकिन यह और भी बुरा है। क्या तुम्हें उन्हें ऑर्बिट में छोड़ने का सुझाव दे रहे हो? यही मतलब है तुम्हारा? एक युद्ध चल रहा है, एक शीत युद्ध, लेकिन फिर भी यह एक युद्ध ही है। क्या होगा अगर ये यूरोप में उतरते हैं या भगवान न करे चीन में? हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के सभी रहस्य शत्रु के हाथ में पड़ जाएंगे। तो उन्हें मरने दें, सिर्फ इसलिए कि वे वहां उतर सकते हैं जहां उन्हें नहीं उतरना चाहिए था। वो एक सैनिक है। कभी कभी सैनिकों को मरना पड़ता है अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए। समझ गया। हाँ ठीक है, तुम्हारी सोच क्रांतिकारी नहीं है लेकिन रचनात्मक है। शुक्रिया, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। अलमाज, यह है मिशन कंट्रोल। मैनुअल मोड पे स्विच करने की अनुमति दी जाती है। अपने सूट पर दबाव डालने के लिए आगे बढ़ो। मिशन कंट्रोल, कॉपी दैट, कार्यवाही शुरू। अच्छी बात है कि फैसला तुम्हें नहीं करना पड़ा। मिशन कंट्रोल, मैं दोहराता हूं, अनुमानित लैंडिंग लोकेशन है। अगर इस बार हम लोग लैंड करने में सफल हुए तो वो लोग हमें जरूर ढूंढ लेंगे। चलो रेड रिक्वायर में उतरें शायद। अच्छा मजाक है, पहले मैं शिप को स्थिर कर दूं। मुझे लगता है कि हम पोजीशन में हैं। अगर तुम इसमें अपना दिमाग लगाते हो तो तुम कर सकते हो। पृथ्वी की ओर लक्ष्य करते हैं। थोड़ा खिसको। मैं अपनी सीट में धंसा हुआ हूं। तुम्हारे वहां बैठे होने की वजह से मैं कुछ नहीं देख सकता। मुझे अपनी जगह छोड़नी होगी। मुझे दिशा बताओ।
जल्दी बताओ। मैं तैयार हूं। समझ गया। दक्षिण पश्चिम। हाँ समझ गया। उत्तर नहीं, उत्तर पश्चिम। उत्तर या उत्तर पश्चिम? आराम से आराम से, दाहिनी दिशा में ही रहो। आराम से आराम। समझ गया। हाँ पश्चिम पश्चिम। हाँ ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, रुको रुको, वापस आओ। अब पश्चिम पश्चिम। पावेल समय निकल रहा है, मुझे देखना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम तो हमारी ग्रेविटी का केंद्र बदल दोगे। सीट से हट जाओ। मुझे कहाँ जाना चाहिए? वहां नीचे, पोर्टल के नीचे। मैं कोशिश करूंगा। मेरे पैर ऐसे ही पकड़ लो। मैं अब टारगेट लूंगा और हम सावधानी से दो छोटे चूहों की तरह वातावरण में कूद जाएंगे। जल्दी करो वरना हम चीन में पहुंच जाएंगे। मुझे हड़बड़ाओ मत। अगर मुझसे गलती हुई तो हम अंतरिक्ष में ही घूमते रह जाएंगे। अब हम वापस अपनी सीटों पर आते हैं। पृथ्वी समतल दिख रही है। ये बदल रही है। कितनी? 60 डिग्री। अरे नहीं, कुछ नाइट्रोजन बची है? लगभग शून्य। क्या तुमने बेल्ट बांध ली है? हाँ हाँ। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम को सक्रिय किया है। वो लोग कहाँ लैंड होंगे? तुम और मैं मुसीबत में पड़ जाएंगे। आशा है वो ठीक से लैंड कर जाएं। टेलीमेट्री ने एक झुकाव का पता लगाया है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है मैनुअल टारगेट के लिए, और जैसे ही वो लौटे शिप की ग्रेविटी केंद्र से शिफ्ट हो गई। और लैंडिंग लोकेशन बदल सकती है, इसका पता लगाना होगा। 6 से 60 डिग्री झुकाव के साथ शिप एक तेज कोण पर वातावरण में प्रवेश करेगी। ये ऑर्बिट में वापस लौट सकती है। आखिरकार ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच लेगी। समझ गए आप लोग? लेकिन ऐसा जल्दी नहीं होगा। कॉम्रेड रोशन बैक ना करें सभी संभावित लैंडिंग स्थानों की। अब हम काम पर वापस आ जाते हैं। हम ट्रांसमीटर सिग्नल की प्रतीक्षा करेंगे और सर्वश्रेष्ठ की आशा करेंगे। आज गुरुवार है या शुक्रवार? काश मुझे याद होता। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे उठ गए होंगे? मैं सोच रहा हूं कि क्या विका स्कूल में होगी या सर्दी के कारण घर में। इतना मत सोचो दोस्त। अगर हम चूक गए तो ग्रेविटी हमें 3 साल के समय में नीचे खींच लेगी। मैं एक फैंसी राजकीय अंतिम संस्कार के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सही है, चलो कुछ खाते हैं। वाह, इस मजेदार लंच को देखो। वोट्स, लेकिन इसमें डालने के लिए लहसुन नहीं है। तुम्हें चाहिए?
अचानक से तुम बेवकूफ हो। मुझे ग्रेविटी जैसा लगता है। लंच भूल जाओ एलेक्सी, हम घर जा रहे हैं। कॉपी सुन लिया कॉमरेड कमांडर। जेटिसन रेट्रो इंजन। रेट्रो इंजन बंद कर दिया गया है। उपकरण मॉड्यूल जेटिसन के लिए तैयार करें जेटिसन। उपकरण मॉड्यूल अलग नहीं हुआ। अपने आप को संभालो, हम स्पिन होने वाले हैं। तुम जिंदा हो पावेल? बेशक मैं जिंदा हूं। तो इडियट! क्या मैंने तुमको डरा दिया? मुझे डराने की क्या जरूरत थी? अच्छा ठीक है, बहुत हुआ। चलो बाहर चले, बाहर का नजारा देखते हैं। हाँ चलते। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ।
नहीं, कोई संकेत नहीं मिला, कोई लैंडिंग का संकेत नहीं मिला। क्षेत्र को स्कैन कर रहे हैं, अभी तक कोई संकेत नहीं। यहाँ कुछ नहीं, तलाश जारी है। पूरे एसडब्ल्यू रेंज में मेरा रेडियो खामोश है, कोई संकेत नहीं। क्यों सोवियत विज्ञान की उपलब्धियों के बावजूद हम एक निर्धारित क्षेत्र में एक भी रेडियो बीकन नहीं ढूंढ सके? क्यों नहीं ढूंढ सके? फिर से प्रवेश का सिग्नल गायब हो गया है, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता नहीं, है। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए। सर्गेई पावलोविच, यह स्पष्ट है कि ये एक अलग स्थान पर उतरे हैं। हम एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ आराम करने का आग्रह करता हूँ, प्लीज आराम कीजिए। मैं उनके मिलने के बाद आराम करूंगा। किसी के पास कोई आइडिया है? सबसे पहले हो सकता है लैंडिंग के दौरान बीकन क्षतिग्रस्त हो गया है, दूसरे शायद लाइन काटते समय उन्होंने बीकन को नुकसान पहुंचा दिया। उनके पास अभी भी एक बैकअप होगा, पोर्टेबल ट्रांसमीटर। फिर हमारे पास सिग्नल क्यों नहीं है? ये ठंडे तापमान में काम नहीं करेगा सर्गेई पावलोविच। क्या वो वहाँ बैटरी गर्म नहीं कर सकते हैं? उन्हें पहले खुद को गर्म करने की जरूरत है। स्पेस सूट ठंड से उनकी रक्षा नहीं कर सकते, शिप में भी आश्रय नहीं है। एक घंटे में ये अपनी सारी गर्मी खो देंगी और शायद रेडियो तरंगे भी नहीं मिल पा रही हैं। शॉर्टवेव सिग्नल की गुणवत्ता इलाके और मौसम पर निर्भर करती है, इस जानकारी के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि वे मौसम के सबसे खराब स्थिति में हैं, वे कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं? 24 घंटे। तेगा पहाड़िया सिग्नल को रोक रही है। मोर्स कोड यहां काम करना चाहिए, यह अधिक विश्वसनीय है। काम तो यहां करना चाहिए था। खुद को गर्म करने के लिए कुछ तो करो एलेक्सी। अभी के लिए ठीक है। FI, इस कोड का क्या मतलब है? FI, ये क्या है? तुम अभी तक जाग रहे हो? हमारे जामांच परिंदे लैंड कर चुके हैं। क्या? सब कुछ ठीक है। बंद करो इसे अभी। रुको, मैं सुनना चाहता हूँ बचाव अभियान के बारे में। वो तुम्हारे बिना भी काम कर लेंगे, हम इसे कल टीवी में देख लेंगे। अभी जाकर तुम सो जाओ। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? सरकारी राज की बातें सुनना बंद करो। क्रेमलिन चाहता है कि हम एक आधिकारिक बयान जारी करें कल सुबह 10 बजे तक। हमारे पास अभी बताने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू। सर्गेई पावलोविच, आपको आराम की जरूरत है। अब सब कुछ आप पर निर्भर नहीं है। सुबह होने में काफी समय है और हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। कॉमरेड जनरल, बोलने की अनुमति। मौसम की रिपोर्ट आई है। यूराल लैंडिंग क्षेत्र में भारी बर्फबारी की आशंका है। एक आर्कटिक चक्रवात आगे बढ़ रहा है। आज रात तापमान -35 डिग्री तक गिर जाएगा। आज रात? अब भी दिन है, सही है। हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
अगर उन्हें सिग्नल मिलता है तो हमारे स्थान तक पहुंचने में 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। वो जल्द ही यहाँ होंगे, बहुत जल्द ही, अब किसी भी वक्त। यानी उन्हें अगर सिग्नल मिल गया। ये लो, तुम्हारी बारी है। हड़बड़ाना बंद करो, हमें पता था ऐसा हो सकता है। अगर उन्हें लॉगबुक मिल गई तो मिशन को संपन्न माना जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है संपन्न? क्या तुम अपने बच्चों के बारे में भूल गए? वो उनके डैडी के घर वापसी के स्वागत के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उनके जीवित सांस लेते डैडी, जमी हुई बर्फ का विशाल ढेर नहीं। नहीं दोस्त, उठने में मेरी मदद करो। नहीं, मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बीका के स्कूल में पहले दिन वहां मौजूद रहना होगा। सुनो कॉमरेड वेलियाएफ, हम जीवन की आशा नहीं छोड़ेंगे। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। मुझे हवा में उपलब्ध सभी विमान चाहिए। तलाशी क्षेत्र को 2 गुना करें। यस सर। जनरल कामानी ने सभी विमानों को आदेश दिया है। घोषणा रिकॉर्ड करने के लिए टेक्स्ट भेजें। इन में से कौन सा? दोनों, किसी भी परिणाम के लिए। हेलो कॉमरेड्स, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मैं तैयार हूं। March 18, 1965 उड़ान परीक्षण आयोजित करने के उद्देश्य से सोवियत मानव युक्त फोर्स को 2 अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा गया था।
लगता है ये सब का सब मूर्ख है, अभी तक कोई नहीं आया। ओए, क्या समस्या है आप लोगों के साथ? आखिर तुम सब हो कहाँ? क्या तुम सब मूर्ख हो? हम यहाँ जीवित हैं, हम जिंदा हैं। क्या तुम सब बहरे हो? ओए, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। समय मृत्यु, उत्कृष्ट अंतरिक्ष यात्रियों पावेल बोयोलेफ और एलेक्सी लियोनेफ की एक भारी अपूरणीय क्षति है पूरे सोवियत राष्ट्र के लिए। सोवियत संघ के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। पावेल, 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 ए उठो, तुम सो मत जाना, तुम उठो, उठो पावेल, पावेल, उठो। बात खत्म हो गई यार। इसके लिए अपने भाषण का अभ्यास करें, यूं ही लैंप पोस्ट की तरह खड़े रहोगे, तुम प्रेस को अपने दम पर संभाल लोगे, अब तुम हीरो हो। कोई हीरो नहीं है यार। जब मैं गांव में गाय चरा रहा था, तुम सैकड़ों लड़ाकू उड़ाने भर चुके थे, जब तक मैं पायलट बना तुम पायलट बन चुके थे, लड़ाकू विमाने उड़ा रहे थे, फायरिंग बटन दबा रहे थे। एक एक क्या? एक लड़ाकू उड़ान, मैंने कभी फायरिंग बटन तक नहीं दबाया। जापानी सेना के साथ बूढ़े लड़ रहे थे, जबकि हम नए नए शौकीन विमानों में ईंधन भरते और हवाई क्षेत्र में झाड़ू लगाया करते थे। अंत में मैं एक लड़ाकू विमान के लिए निर्धारित हो गया। मैंने सोचा आखिरकार मैं कुछ उपयोगी कर सकता हूँ। खैर, उस दिन जापानियों ने हमला नहीं किया, हमने कुछ इलाकों में गोलीबारी की और अपने ठिकानों पर लौट आए। अगले दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यही कहानी है युद्ध नायक पावेल बेलयाएव की। तुम जानते हो कि पायलट स्कूल क्यों गया था? क्यों? उसका स्टूडेंट अलाउंस आर्ट स्कूल की तुलना में अधिक था। मैं अब खुशी खुशी डूडलिंग कर सकता था, जबकि आज पूरी दुनिया में मुझे देख फूले हुए मेंढक की तरह रस्सी पर झूलते हुए मैंने उस स्पेस सूट में खुद को लगभग छोंक दिया था। और ये कहानी है अंतरिक्ष विजेता एलेक्सी एनोलोफ की। पावेल, मुझे अफसोस है कि मैं वहां मेरे साथ तुम्हें खींच लिया। नहीं, वो अच्छी बात थी। अगर तुम कहते हो तो अच्छा हुआ कि तुम इंटर्न नहीं बने। तुम्हारे साथ उड़ान भरना खुशी की बात थी। शायद हम किसी दिन फिर से उड़ेंगे। हम वही करेंगे जो हमारी मातृभूमि का आदेश होगा। एलेक्सी,
वो लैंड कर चुके हैं, वो जिंदा है, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आ रहा। इसके बजाय वो तुम्हारे लिए आएंगे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन तब मेरे पास मदद के लिए कोई भी नहीं होगा। तो क्या करना होगा? मौसम अब अपने सबसे खराब दौर में है, हमें फिलहाल तलाशी अभियान रोकना होगा। समझा? जैसे ही तूफान गुजर जाएगा हम हाँ बेशक हमें उनके परिवारों को सूचित करना होगा। सर्गेई पावलोविच, अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता ये बात मीडिया में पता चले, बदनामी होगी हमारी। उन्होंने सिग्नल पकड़ा है। सर्गेई पावलोविच, ऐसा लगता है उन्होंने सिग्नल पकड़ लिया है। लगता है पकड़ लिया। कॉमरेड लेफ्टिनेंट जनरल, मैं क्षमा चाहता हूँ, कमेटी ने अभी कॉल किया। सखालिन के एक रेडियो ऑपरेटर ने उन्हें संपर्क किया था, उसे इत्तेफाक से अंतरिक्ष यात्रियों से सिग्नल मिल गया। इत्तेफाक से? क्या बकवास है। इत्तेफाक से एक रेडियो ऑपरेटर? यस सर। सखालिन? यस सर। क्वाड्रेंट क्या है? उन्होंने लोकेशन क्वाड्रेंट 62 में बताई। क्या हमारे पास 62 में कोई है? एक यूनिट है कई किलोमीटर दूर। उन्हें बताओ। बताओ। यस सर। हमारे पास सिग्नल है कॉमरेड 62 में। तुम उनके सबसे करीब हो, दृश्य संपर्क स्थापित करने का प्रयास करो। मैं दोहराता हूँ, दृश्य संपर्क स्थापित करने का प्रयास करो। ये 216 है, मैं क्वाड्रेंट 62 में हूँ। मौसम की स्थिति बहुत खराब है। जब तक हो सके तलाश करते रहो। यस सर। क्या तुम सुन सकते हो? सुन सकते हो? तुमने कुछ सुना? उन्होंने हमें ढूंढ लिया, फिर व्लेरगन कहाँ है? पावेल, क्या मैंने इसे खो दिया? हाँ, मैं कितना मूर्ख हूं। कमांडर, हमारा ईंधन लगभग खत्म होने वाला है, हमें बेस पर वापस जाना चाहिए। ये 216 है, हमारा ईंधन खत्म होने वाला है। उनका ईंधन खत्म होने वाला है, उन्हें लौट आने को कहो। यस सर। 216, बेस पर लौट आओ। 216, मैं हूं सरगेई कोरोलेफ, तुम्हारा क्या नाम है? मेजर मार्केलोव, तुम्हारा प्रथम नाम क्या है? व्लादिमीर। व्लादिमीर, दोस्त मेरी बात सुनो। वहां किसी पेड़ की चोटी पर पैराशूट होना चाहिए, यह बहुत बड़ा और ध्यान आकर्षित करने वाला है, प्लीज अच्छी तरह नजर डालो। देखा करना मुश्किल है। यस। लानत है, मैंने उसे कहां रखा है? सब कुछ इतना गड़बड़ क्यों है? मेरी मदद करो एलेक्सी, मेरी मदद करो, ये मेरी बांह टुंड से अकड़ गई है। पावेल, तुमने अच्छे से किया, संभालो। मिल गया। हम अपना आरक्षित ईंधन जला रहे हैं, हमें वापस लौटना होगा। लगता है अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। एलेक्सी, फायर करो, मैं कुछ देख नहीं सकता। रुको यार, बहुत बढ़िया,
मैं करता हूं फायर। शूट करने में तुम्हारी मदद करूंगा। कमांडर, अगर हम अभी वापस नहीं गए तो हम नहीं जा पाएंगे। ये दो सुला है, पैराशूट का कोई नामो निशान नहीं है, अंतरिक्ष यात्रियों से कोई संकेत नहीं। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, माफ करना। चलो फिर से कोशिश करते हैं। मैं अपनी उंगलियां नहीं मोड़ सकता, मैं नहीं कर सकता। पावेल, चलो ट्रिगर दबाओ, दबाओ। दो सोलह बेस पर लौटे। सुन लिया, लौट रहे हैं। ये 216 है, हमें एक सिग्नल फ्लेयर दिख रहा है। वो वही है, बचाव दल तैनात करें। 216, मुझे निर्देशक दे, बेर्जिनी की शहर के दक्षिणी पूर्व में 30 किलोमीटर दूर। निर्देशांक है 59.34 उत्तर और 55.28 पूर्व। धन्यवाद क्लादिमीर। मिस, मैं चाय पसंद करूंगा, थोड़ी स्ट्रॉन्ग। अभी लाई सरगई पालोविच। पापा, हे पापा। एलेक्स, पापा एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घोंसले में सोती है। कौन सोती है? पक्षी की माँ। तुम मेरे छोटे खोजकर्ता हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे यकीन है लगा होगा। तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है इधर उधर भागने के कारण ना? नहीं डैडी, मैं दौड़ नहीं रहा था, मैं उड़ रहा था। ध्यान दे, ये है मॉस्को, ये सोवियत न्यूज एजेंसी का संदेश है। 19 मार्च को 12:02 मॉस्को समय के अनुसार सोवियत मानव युक्त फोस्को 2 अंतरिक्ष यान
कमांडर कर्नल पावले इवानोविच, पिलायोव और सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्सी आर्किवोविच लियोनोव द्वारा संचालित बम शहर में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। कॉमरेड पिलायोव और लियोनोव अच्छा महसूस कर रहे हैं। Прошла боль, спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь я возьму этот большой. Каждый день, каждый его час, если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас, если что-то я забуду. Вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес, я возьму этот большой. Забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму память земных верст, буду плыть в белом густом льне, там вдали, там возле синих звезд, солнце земли,
будет светить мне, я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час, если что-то я забуду, вряд ли звезд. Я забуду, вряд ли звезды примут нас.